Welcome everyone. Thank you for joining us for today's webinar. My name is Nayan J. Patel and I am the lecturer of the Mechanical Engineering Department at Barun Institute of Engineering and Technology Diploma Studies at Barun University. Barun University is the best private university in Western India and has also been awarded as an outstanding university in a West zone for the highest nationalities in a campus. Today we are presenting a webinar titled as a career development, presented by honorable speaker Mr. Saurabh Patel. If you have any question during the presentation, please type them to my contact number 9714458809. I will bring them up during the presentation and then we will have a time for a question at the end. Now, without further delay, we will turn the time over to Mr. Saurabh Patel, sir, our presenter today. He is a young entrepreneur and a former core team manager at Kachwa Education Services LLP, Patan, and he has a great knowledge and expertise on the today's subject. So, please, Saurabh. Thank you, Nayan. यहाँ पे पहले मैं नयन का जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके करियर पर डेवलपमेंट के बारे में बताऊँ, तो उसके रिगार्डिंग मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ और मैं पारुल यूनिवर्सिटी को स्पेशली थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने भी ऐसे वेबिनार्स अरेंज किए जिससे जो कॉलेज से फाइनल ईयर में पास आउट होकर बच्चे बाहर निकलते हैं उनको कुछ गाइडेंस मिले, वो अपने इसी गाइडेंस से करियर में आगे बढ़ सके। यहाँ भी मेरा ये पॉइंट है कि मैं आपको करियर डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक एम्प्लॉय और एक एंटरप्रेन्योर के बीच में क्या फर्क है और आप उस फर्क को कैसे जान सकते हो, कैसे आप अपने करियर को चूज कर सकते हो, कैसे आप अपने फील्ड को चूज कर सकते हो और कैसे आप अपने चूज किए हुए फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे मेरा ये टॉपिक चूज करने के लिए मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया क्योंकि मैंने पिछले 8 सालों में मैंने यही सीखा है कि किस तरीके से मैं अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अगर मेरे अंदर डेवलप करूंगा मेरी स्किल्स, मेरा एजुकेशन नॉलेज, मेरा जनरल नॉलेज, जिससे मैंने जो ड्रीम्स सिलेक्ट किए हैं वो मैं ड्रीम्स अचीव कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने जो पिछले 8 सालों में जो सीखा है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। मेरा नाम सौरभ पटेल है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर निर्मा लिमिटेड में जॉब की हुई है। मैंने एज अ कोर टीम मैनेजर, मैंने आईटी फील्ड में भी काम किया हुआ है और अभी मैं एज अ एंटरप्रेन्योर काम कर रहा हूँ। तो वंस अगेन थैंक यू नयन एंड थैंक यू बायर यूनिवर्सिटी फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। आप सभी को ये मालूम ही है कि कॉलेज लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग होती है, इतनी बढ़िया होती है, जो हम लाइफ के एंड समय तक हम उसको याद करते हैं। जब शुरुआत में आप कॉलेज में एंट्री करते हो तो आपको ये पता नहीं होता कि आपने ये फील्ड क्यों चूज की है, आपको इस फील्ड में क्या सिखाया जाएगा, किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, ठीक। तो आप जब शुरुआत में ही कॉलेज में एंटर करते हो तो उस वक्त अगर आपको पता है कि अगर मुझे मेरे फील्ड के बारे में इसी तरीके से आगे बढ़ना है तो आप परफेक्टली सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, और अगर आपको नहीं पता है कि मुझे क्या करना है मेरी लाइफ में और उसके रिगार्डिंग मुझे फाइंड आउट करना है तो आप अपने किसी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को उसके बारे में रेफरेंस के तौर पर जान सकते हो कि किस टाइप का अगर हम कोर्स करें, किस टाइप का हम सर्टिफिकेट प्राप्त करें जिससे मैंने जो चूज किया है वो मैं प्राप्त कर सकूं। तो आप इस एंट्री समय पर आप ये सिलेक्शन कर सकते हो आपका सब्जेक्ट का, वेदर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, वेदर आप सीए बनना चाहते हो या फिर आप पायलट बनना चाहते हो, कुछ भी आप बन सकते हो, मगर अगर आपके पास सही गाइडेंस है तो आप उसका चूज करके आप आगे बढ़ सकते हो। जब आप कॉलेज में शुरू करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप से लर्निंग पढ़ाई जाएगी डिफरेंट सब्जेक्ट होके, तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट पे जब आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हो तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको वहां पे पढ़ाई जाएगी कि आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है उस सब्जेक्ट में आप किस तरीके से काम करोगे, तो उस सब्जेक्ट के यूजिंग दिस नॉलेज
आप कुछ आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपके टीचरों के द्वारा जो भी लर्निंग आपको प्रोवाइड होती है वो आपके फ्यूचर बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स आपको देती हैं। तो यहाँ पे आपको कॉलेज में जो भी लर्निंग आपको प्रोवाइड की जाती है वो आपको समझना है, जानना है और पूरा डिटेल्स आपको गेन करना है। साथों साथ हर एक कॉलेज में कॉलेज अपनी तरफ से कुछ टूल्स अवेलेबल करती है कि जिसको यूज करके आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हो। हर एक कॉलेज में वो टूल्स उपलब्ध होते हैं कि जिससे आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो और प्रैक्टिकली अगर आप कॉम्बिनेशन करोगे अपने थियरी के लिए एजुकेशन से तो आप उसके पे कुछ काम करके उसमें एरर और कुछ नया जान के आप कुछ नया बदलाव कर सकते हो। स्पेशली अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो इंजीनियरिंग में टूल्स ऐसी चीज है कि आप किसी भी टूल्स को यूज करके आप कुछ नया ऑप्शंस पैदा कर सकते हो, कुछ नई जानकारी प्राप्त कर सकते हो, कुछ नया डेवलप कर सकते हो और टूल्स का कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकते हो। तो मैं प्रीफरली आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कॉलेज में आपकी पढ़ाई चल रही है तो आप कॉलेज के हर एक टूल्स को जानिए, हर एक टूल्स का यूज जानिए, हर एक टूल्स का प्रैक्टिकली नॉलेज लीजिए कि किस तरीके से वो वर्क करता है, जिससे आपने जो लर्निंग ली है थियोरी की लर्निंग उससे आप उसको मैच करवा सके। और जैसे ही आप ये सब का कॉम्बिनेशन करोगे तो आप ऑब्वियसली कॉलेज में से बेस्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करके आप बाहर आओगे और इन फ्यूचर आप अपनी लाइफ पे जो भी आप सिलेक्ट करोगे उस पे आप चलने के लिए रेडी होगे। अभी आपने कॉलेज पूरा कंप्लीट कर दिया, आपको पूरा नॉलेज मालूम है कि कॉलेज में मैंने क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या सीखा है, मगर जब आप रियल लाइफ में एंट्री करोगे तो आपके बारे में पहले दो क्वेश्चंस रहेंगे कि पहला आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है, आपको वेदर बिजनेस में जाना है या आपको जॉब करनी है। ये आपके पास दो सजेशंस है कि ये आपको आपको इस दोनों में से किसी एक को चूज करना है कि मुझे मेरे लाइफ में जॉब करनी है, जॉब में मुझे कुछ अचीवमेंट्स करने हैं या फिर मुझे अपने खुद के लिए कुछ नया डेवलप करना है, कुछ नया बिजनेस करना है और उसमें मुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ से ही आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको बिजनेस और जॉब के बारे में बताऊंगा कि आपको अगर बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो बिजनेस पर्सन आपको क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, बिजनेस पर्सन क्या कर सकता है, किस तरीके से वो थिंक कर सकता है, और अगर आपको जॉब करनी है तो आप किस तरीके से जॉब एज अ जॉब मेंटालिटी में आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं बात करूँ कि एम्प्लॉई की, तो एम्प्लॉई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने काम के लिए उनको सैलरी प्रोवाइड की कंपनी उनको सैलरी प्रोवाइड करती है और एम्प्लॉई टीम वर्क में हमेशा काम करता है। जितना भी कंपनी में अब उसने कुछ सिस्टम बनाई है, उसने कुछ फाउंडेशन बनाया है तो एम्प्लॉय को उस पर काम करना होता है सिस्टम की तौर से, फाउंडर्स की तौर से, जिससे एवरी एम्प्लॉय अपना बेहतर आउटपुट दे सके। अगर एम्प्लॉय की स्किल की बात करें तो एम्प्लॉय ने जो भी अपना नॉलेज सिलेक्ट किया है, जो भी अपनी फील्ड सिलेक्ट की, उसका डीप एजुकेशनल नॉलेज होना चाहिए, उसको अपना वर्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो उसको पता होना चाहिए, टीम वर्क में उसको बिलीव होना चाहिए, जो भी वो काम कर रहा है वो पूरी टीम के साथ वो काम कर रहा है। हर एक कंपनी में सभी जगह पे टीम वर्क होता है। अगर आप देखो तो टीम वर्क ऐसी है जो अपने आप को खुद को भी आगे ले जाती है और कंपनी को भी आगे ले जा सकती है। तो टीम वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एम्प्लॉय के लिए। इनर कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हो कि जो भी वर्क टीम में होता है अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा तो आप अच्छी तरीके से वर्क मैनेजमेंट का फ्लो भी संभाल सकते हो, कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, टीम वर्क भी कर सकते हो। आप अपने तरीके से अगर आगे बढ़ना चाहते हो कि एम्प्लॉई में भी अगर आप अपनी पोस्ट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जो कंपनी ने आज तक नहीं किया हो और वही चीज कंपनी को आगे ले जाए, कुछ नया डिफरेंट करना होगा, आउट ऑफ थिंग सोचना पड़ेगा, जिससे आप आपकी स्किल भी बढ़ा सकते हो, कंपनी का अचीवमेंट भी बढ़ा सकते हो और कंपनी के गोल में आप अपना पार्टिसिपेंट दे सकते हो। जो भी काम आपका होता है वो अच्छी तरीके से आपको वेल अंडरस्टैंडिंग करना होगा और फाइनली आपने जो भी पर डे जो भी काम किया है वो आपको
आपके जो भी हायर अथॉरिटी है उनको रिपोर्टिंग करना होगा। इससे क्या होता है कि अगर आप परफेक्टली रिपोर्ट करते हो तो काउंटी के अपना मैनेजमेंट परफेक्टली कर सकता है कि भी अपने तरीके से सोच सकता है किस तरीके से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। एम्प्लॉई एक ऐसी नींव है कंपनी के लिए कि अगर वो अपना काम ठीक से करे, अगर वो अपनी स्किल्स ठीक से लर्न करे और ठीक से वो उसका यूज करे तो हर एक एम्प्लॉई अपना खुद का आगे बढ़ा सकता है और साथों साथ वो कंपनी के ग्रोथ में भी अपना अमूल्य समय देता है। अगर एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एंटरप्रेन्योर ऐसे व्यक्ति है जो नया बिजनेस क्रिएट करते हैं, जो नए रिवॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, जो नया रिस्क लेते हैं और पूरी नई सिस्टम पैदा कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर एक ऐसे व्यक्ति है जो कॉमनली इनोवेटर की तरीके से सोर्स ऑफ न्यू आइडिया जनरेट करते हैं, नए नए प्रोसेसर और नए नए एबिलिटीज उनमें होती है कि क्या कुछ नया किया जा सके जिसके कारण कंपनी का भी ग्रोथ हो, उनका पूरा टीम का भी ग्रोथ हो और साथों साथ उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करें कि उनकी स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए तो एंटरप्रेन्योर है तो उनकी स्किल पहला तो उनका लीडरशिप होना चाहिए, उसका डीप थिंकिंग बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए कि वो किसी भी प्रॉब्लम पे वो थिंक कर सके, उसका रिजल्ट वो निकाल सके। वो इन्वेस्टर होना चाहिए, उसको हर एक इन्वेस्टर की बातें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करने से बेस्ट आउटपुट लिया जा सकता है, जैसे कि टाइम इन्वेस्टमेंट है, मनी इन्वेस्टमेंट है, फ्लो इन्वेस्टमेंट है, सभी तरीके से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। एंटरप्रेन्योर खुद ऐसा व्यक्ति होता है जो नए नए आइडियाज को जन्म देता है और उसके बारे में वो नया नया सीख के नए नए मेथड्स गेन करके वो उसके बारे में आगे बढ़ रहा है। एंटरप्रेन्योर के पास एक अच्छा सा विजन होता है जिसको वो डे बाय डे इम्प्रूव करके उसको गोल में कन्वर्ट करता है। तो ये सब अगर आप स्किल्स अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर लोगे तो आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, जिससे आप अपना चुनाव कर सकते हो इधर आपको बिजनेस में जाना है, इधर आपको जॉब में जाना है। एमपी इंडिया जनरली आपकी पहली स्किल है एजुकेशनल स्किल्स, तो आपने जो भी डिग्री आपने प्राप्त की है उसके बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। आपने जो भी प्राप्त किया है उसके बारे में आपको प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली दोनों नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये आना होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ सिस्टम मैंने सीखा है तो उस सिस्टम में कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं, कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन दे सके, किस तरीके से उसको समझाया जाए, जो ऐसे व्यक्ति को समझाया जाए जिसको कुछ पता भी नहीं है। थैंक यू। तो ये सब स्किल्स एजुकेशन स्किल्स में आती है, ट्रेनिंग, डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, इम्प्लीमेंटेशन, ऑल दिस थिंग्स। लेट मी शेयर माय स्किल। दूसरा है लैंग्वेज का। तो यहाँ पे मैं आपको लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज का भी एक इम्पोर्टेंस रोल्स होता है कि हर एक कंपनी में अगर आप जब भी कंपनी में जाना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में बहुत सारी कंपनियां ऐसी है की जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं और वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो उस दरमियान अगर आपको उसके साथ बात करनी है तो किस तरीके से बात करोगे? So, in this यहाँ पे इम्पोर्टेंस रोल है कि पहले आपको आपकी जो भी देश की राष्ट्रभाषा है वो आपको आनी चाहिए। दूसरा है आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है मातृभाषा वो भी आपको आनी चाहिए, जिससे आप अपने ही खुद के एनवायरमेंट में आप अपने ही टीम वर्क के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सको, उनको समझा सको, उनको फ्लो पास आउट कर सको और उनको अच्छी तरीके से मेंटेन कर सको। और तीसरी है आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर हमारे पूरे वर्ल्ड की इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करें तो वो इंग्लिश है, तो वो अगर आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे तो आप हर एक कंट्री में किसी भी व्यक्ति के साथ आप अच्छी तरीके से डील कर सकते हो, आप अपनी बात उनको शेयर कर सकते हो, उनकी बात समझ सकते हो। तो इसके कारण यहाँ पे लैंग्वेज का भी इम्पोर्टेंट रोल आता है। दूसरा है अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे किसी कंट्री में जाना है तो आपको क्या आना चाहिए, तो उस कंट्री की जो भी नेटिव लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास
उस कंट्री की या उस राज्य की अगर आपके पास नेटिव लैंग्वेज का नॉलेज है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप लैंग्वेज में भी एक और लैंग्वेज का बढ़ोतरी कर सकते हो जो आपको आनी चाहिए एज वेल। अगर आप कहीं भी घूमने गए हो और वहाँ पे अगर इंग्लिश या आपकी मातृभाषा बहुत कम चल रही है तो अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज आती होगी तो आप उनके साथ भी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करके आगे बढ़ सकते हो। तो हमारे स्किल्स में हमारे इलेक्ट्रिकल अच्छा सा और इम्पोर्टेंट रोल है लैंग्वेज का। गोइंग टू अचीव अ बोरिंग प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं तो विथ इलेक्ट्रिकल आज के जो युग में है वो टेक्नोलॉजी स्किल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जो भी होने वाला है वो सब कुछ टेक्नोलॉजी के दौर पे होने वाला है। बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारे नए नए बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी स्किल्स अच्छी होगी तो आप उस इम्प्रूवमेंट को समझ सकते हो, उस इम्प्रूवमेंट को जान सकते हो, उस इम्प्रूवमेंट में आप बदलाव भी कर सकते हो और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी स्किल वो आज के जमाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्किल्स है। नई नई चीजों को सीखना है, नई नई चीजों को जानना है और नई नई चीजों के जानने के बाद उसमें बदलाव भी आप कर सकते हो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल आज के युग के लिए है टेक्नोलॉजी के स्किल्स। यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्किल्स आप किस तरीके से बदलाव कर सकते हो, किस तरीके से जान सकते हो, उसका आप एक टेक्नोलॉजी की बात करोगे अभी के गूगल आपको रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आप नेट पे सर्च कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल्स में जान सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद जो स्किल है वो जनरल स्किल है जो कहीं पे भी सिखाई नहीं जाती मगर आपको खुद को ही डेवलप करनी रहती है। जैसे कि लीडरशिप, जैसे कि ट्रेनिंग, जैसे कि गोल और विजन सेट करना, अपने लिए खुद नया रास्ता बनाना, तो ऐसी जो स्किल्स है वो आप खुद ही डेवलप कर सकते हो ईयर बाय ईयर। आप एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट करके, किसी का एक्सपीरियंस जान के, कुछ नया सर्च करके, कुछ नया रिसर्च करके, कुछ नया पढ़ के, तो ये सब जनरल स्किल्स है। ये जो जनरल स्किल्स पे भी आपको आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपकी जनरल स्किल्स अच्छी है तो आप दो तरीके से आगे बढ़ सकते हो। आपका जो जो फ्यूचर है वो भी आप संभाल सकते हो और इसके साथ साथ आप अपना पर्सनल फ्यूचर भी आप संभाल सकते हो, नॉट विदाउट ग्राफ एंड टेबल। यहाँ पे मैंने जो आपको स्किल्स के बारे में बताया वो इस सारे स्किल्स अगर आप अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हो तो आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और आप ग्राफ एंड टेबल एंड माइक्रो फोटोज। अगर मैं जॉब की बात करूँ कि किसको ऐसा है कि मुझे सिर्फ जॉब में ही जाना है और मगर उनको ये पता नहीं कि जॉब में क्या क्या होता है, किस तरीके का होता है, तो मैं आपको बता दूं पहले ऐसा था कि जो लोग पढ़ाई करते थे उसी रिगार्डिंग उनको जॉब्स मिलती थी, उसी रिगार्डिंग उनको ऑफर की जाती थी कि अगर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो मेरे लिए ओनली इंजीनियरिंग का ही रास्ता ओपन है। अगर मैंने बीए या बीकॉम किया हो तो मुझे सिर्फ टीचिंग का ही रास्ता ओपन है। मगर अभी ऐसा नहीं है, आपने कुछ भी पढ़ा हो मगर आप अपना इंटरेस्टेड फील्ड चूज कर सकते हो। मेरा पहला ये सुझाव है कि आपने जो भी पढ़ा है उसके बारे में आप जानिए, उसके बारे में सर्च कीजिए कि मैंने जो पढ़ा है वो किस तरीके का वहाँ पे काम होता है, किस तरीके से जॉब में उसका होता है। और उस तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एजुकेशन के साथ ही जाना है, एजुकेशन के साथ ही आगे बढ़ना है, तो आपने जो भी आज तक गेन किया है, जो भी आपने डिग्री हासिल की है उसके बाद उसको आप कम्प्लीटली उस केस में लेके आइए कि जहाँ पे आपको कुछ भी और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने इंटरेस्टेड फील्ड में जाना है तो आपके लिए वो भी दरवाजे ओपन है, वो भी डोर्स आपके लिए ओपन है। यहाँ पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। मैं 2012 में मैंने पास आउट किया था और अभी मैं वर्क कर रहा हूँ एज ए एंटरप्रेन्योर। और मैं अभी मेरे जो पैसा नेटवर्क है मार्केटिंग और एचआर मैनेजमेंट और उसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ और उसके रिगार्डिंग मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो पहले इंजीनियरिंग का फील्ड जब मैंने चूज किया था तब मुझे नहीं पता था
एक्चुअली मैंने ये सब्जेक्ट पसंद क्यों किया, क्यों मैंने इस सब्जेक्ट को चूज किया, मगर जब मैंने रियल टाइम मैंने जब जॉब शुरू की तब मुझे पता चला कि मैंने जो इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट पढ़े थे वो सारे सब्जेक्ट का यूज अभी मुझे यहाँ पे करना है। उस वक्त मुझे मेरे पास थियरी की नॉलेज था मगर मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम, तो मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने अपना खुद का पहला इंप्रूव किया और उसके बाद मैंने जॉब पे अच्छे अपना रिजल्ट दे सकता था। मगर मेरा गोल कुछ और था, मुझे ऐसा करना था कि मुझे मैकेनिकल में नहीं जाना है, मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मार्केटिंग है, मैं मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। और उसके रिगार्डिंग मैंने वहां से ही मैंने अपना करियर सिलेक्ट कर दिया कि मुझे मार्केटिंग में ही काम करना है, मुझे एंटरप्रेन्योर के तौर से ही काम करना है। तो मैंने अपने तरीके से मार्केटिंग के बारे में जानना शुरू किया, मैंने अपने तरीके से मार्केटिंग के बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने अपने तरीके से मार्केटिंग का बहुत सारा रिसर्च किया और उसके बाद मार्केटिंग के रिगार्डिंग मुझे ऑफर मिली, तो उस ऑफर को मैंने सिलेक्ट किया और वहां से मैंने शुरू से शुरू किया ट्रेनिंग लेने का। और उस दौरान मुझे ये पता चला कि अगर मैं कुछ भी ट्रेनिंग लेके मैं कर सकता हूँ, प्रैक्टिकली नॉलेज अगर मैं ले सकता हूँ, प्रैक्टिकली नॉलेज के बाद मैं उसका अप्लाई नॉलेज कर सकता हूँ, तो मैं कुछ भी मैंने जो भी इंटरेस्टिंग फील्ड है उसमें मैं जा सकता हूँ। तो अभी अप्रोक्सीमेट 8 years के बाद मैं अपना खुद का बिजनेस रन कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपने खुद का इंटरेस्टेड फील्ड में भी काम कर रहा हूँ। तो आपके लिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये भी ओपन है कि आप अपने इंटरेस्टेड फील्ड में जा सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना होगा तो मैं आपको यहाँ पे बता कि आप अपने जॉब के लिए कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अगर आपको पहले सिलेक्ट करना है कि आपको जॉब कौन से फील्ड में जॉब करना है, वेदर आप अपने इंडस्ट्री फील्ड में जाना चाहते हो या वेदर आप अपने एजुकेशनल फील्ड में जाना चाहते हो। एक बार अगर आपने सिलेक्ट कर लिया मुझे एजुकेशनल फील्ड में ही जाना है या फिर मुझे अपने इंडस्ट्री फील्ड में ही जाना है, तो उसके बाद आप शुरू कीजिए उसका प्रिपरेशन करना कि अगर मुझे मेरे इंटरेस्टेड फील्ड में जाना है तो मुझे क्या क्या करना होगा, उसके बारे में जानिए कि मुझे क्या क्या स्किल्स सीखनी होगी, मुझे क्या क्या नॉलेज गेन करना होगा। उसके रिगार्डिंग आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, उसके रिलेवेंट जो भी आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो या फिर अपने रिलेटिव से जान सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने एक बार उसके पूरी डिटेल्स आपके पास आ गई, आप श्योर हो गए कि अभी मैं इस काम में बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अच्छे तरीके से आउटपुट दे सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो आप ऐसी कंपनी को सर्च कीजिए जहाँ पे आपने जो स्किल सीखी उसकी रिक्वायरमेंट, और वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए। नो डिफ्लेक्शन ऑफ, जैसे ही आपका इंटरव्यू सिलेक्ट होता है उसमें अच्छा सा परफॉर्मेंस देखिए, वहाँ पे आपको जो भी ऑफर है उसमें आप निगोशिएट करके उस जॉब का इट इज नॉट आल्सो अफेक्टेड बाय द हार्डनेस। तो जैसे जैसे आप अपने स्किल्स बढ़ाते जाओगे, आप अपने स्किल्स को डेवलप करते जाओगे, तो आप अपने जॉब के रिजल्ट के बहुत नजदीक जा सकते हो, आप अच्छी तरीके से जॉब पा सकते हो और जॉब में आगे भी बढ़ सकते हो। आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, किस तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ पे भी मेरे ऐसा था कि मैंने पहले से ही सिलेक्ट किया था कि मुझे बिजनेस में ही आगे जाना है, मुझे अपना खुद का कुछ करना है, मुझे क्या करना होगा वो मुझे नहीं पता था, मगर मुझे मैंने सिलेक्ट किया था कि कुछ भी करके मुझे बिजनेस में ही जाना है। तो मेरा अगर बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि मेरा बैकग्राउंड मेरे पापा है, मेरे मॉम से मेरा बड़ा ब्रदर है, And this is तो मेरे पापा है वो जॉब करते हैं, मेरा भाई भी जॉब करता है, तो बेसिकली मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि जहाँ पे मेरे घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने कभी बिजनेस किया हुआ हो या बिजनेस के बारे में पता हो। तो मैंने पहले मेरे अपने माइंड में सोच रखा था कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे क्या क्या करना होगा, तो मैंने उसके रिगार्डिंग नॉलेज गेन करना शुरू किया। तभी मुझे पता चला कि मेरे बैकग्राउंड में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिजनेस के बारे में जानता, तो मुझे ऐसे बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा जो ऑलरेडी बिजनेसमैन है, जहाँ से मुझे कुछ सजेशन मिल सकते हैं, कुछ रेफरेंस मिल सकते हैं, कुछ नॉलेज मिल सकता है, कुछ उनका एक्सपीरियंस मिल सकता है।
मुझे कुछ पता चला लगा कि आप किस तरीके से कौन सा बिजनेस डेवलप कर सकते हो, मार्केट में कितनी वैल्यूज है, मार्केट में कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मार्केट में कौन सा ग्रो आने वाला है, ये सर। तो वहां से मुझे आइडिया जनरेट होने लगा और मुझे पता चलने लगा कि अच्छा इस तरीके से आप बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हो। But तो मैंने भी ऐसा किया कि मैंने भी अपना रेफरेंस सजेशन और उसको लेके मैंने एक आइडिया जनरेट किया कि मुझे अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने डायलेक्टिक फ्लू ड्यू टू दिस कोलिजन। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपने आपको बिजनेस ही करना है, जो भी आपने डिसाइड किया है तो पहले तो आपको क्या करना है, उसको पेपर पे लिख देना है कि अगर आप उसको पेपर पे लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे यही फील्ड में जाना है, यहाँ पे ही काम करना है और इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। तो अगर आपने एक बार पेपर पे लिख दिया तो आपको कुछ और बारे में जानने की जरूरत नहीं, आप ऐसा ही मुझे जिस बिजनेस में जाना है उसके बारे में आप रिसर्च कीजिए, उसके बारे में आप डिटेल्स इकट्ठी करने के लिए काम कीजिए, उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए, कहाँ पे चल रहा है, उसकी क्या वैल्यू है, किस तरीके से लोग बिजनेस को कर रहे हैं, किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जाने के लिए अगर मैं जाऊँगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा, मैं क्या क्या एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, मेरा जो ग्रोथ है, मैंने जो सोच रखा है क्या वहाँ पे डिसाइड होगा कि वो मिलेगा, वो सब आप डिसाइड करिए। आप अपना इंटरेस्टिंग फील्ड है वो आप चूज कीजिए, जैसे ही आप अपने इंटरेस्टिंग फील्ड चूज करोगे तो उसके बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो इंटरेस्टिंग फील्ड चूज की है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। लोकली अगर आपके पास वो चीज मार्केट में अवेलेबल है तो आप उसी के बारे में वहां पे जाके आप उसका एक्सपीरियंस पूछ सकते हो, उसका एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, वही एक्सपीरियंस का यूज मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन अपना खुद का बिजनेस एक्सपीरियंस करके स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपका ऐसा है कि आपके पास जो भी आइडियाज है वो जो भी आइडियाज पूरा नया है, पूरा कॉन्सेप्ट नया है जो आज तक किसी ने किया ही ना हो, तो ऐसे आइडियाज के बारे में आप स्टार्टअप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टअप एक बहुत अच्छा सा बिजनेस है, मैंने जो लास्ट 3 इयर्स यहाँ पे काम किया है वो कंपनी भी स्टार्टअप थी, मैनेजमेंट करता था वहाँ पे, जितनी भी प्रोसेस होती थी वो सब मैं मैनेज करता था, मुझे वहाँ बहुत अच्छा सा नॉलेज मिला है। तो आपको भी अगर कुछ भी नॉलेज मिलना है तो आप स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको पूरी समरी बताऊंगा कि अभी तक मैंने जो आपको पूरा डिटेल्स बताया वहाँ वो आपको किस तरीके से करियर डेवलप में हेल्प कर सकता है, कि आप अपने करियर को एक बार सिलेक्ट कर लिए, आप अपने करियर को एक बार चूज कर लिए, फिर उसके बारे में आपको क्या क्या जानने की जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी करियर डेवलपमेंट करने से पहले आपको खुद को पहले आपको खुद कितनी स्ट्रेंथ है, आपकी वैल्यू कितनी है, इंटरेस्ट कितना है, वो आप अपना खुद के लिए जानिए। उसके बाद आप एक्सप्लोर कीजिए कि मैंने जो सोचा है, मैंने जो मेरे जो एमबीसीएस है वो किस तरीके से कहाँ पे यूज हो रहे हैं, उसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उसके बाद आप उसका डिसीजन लीजिए, उस पर एक्शन लीजिए, उसको फोकस में लाइए, उस पर काम कीजिए, चाहे वो आप बिजनेस में जा रहे हो, चाहे वो आप जॉब में जा रहे हो, और वो फोकस सेट करने के बाद आपने जो डिसाइड किया है वो आप जॉब सर्च करना है तो आप उस पर जॉब सर्च कीजिए, उस पर अप्लाई कीजिए और एप्लीकेशन भेजिए और इंटरव्यू दीजिए। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हो उसके बारे में सर्च कीजिए, फिर उसके बारे में जानिए और उसमें अप्लाई कीजिए। इस तरीके से आप अपने बारे में जान के एक्सप्लोर करके फोकस करके एक्शन करके आप अपने करियर को वेल सेट कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी माहिती चाहिए कि आपको इसके लिए कोई और जानना तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी या मेरे कांटेक्ट नंबर मुझे फोन कर सकते हैं। सो इन दिस वे सेवरल टाइम्स इट विल ओके। अगर आपको इस सेमिनार के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हैं। स्पार्क विल थैंक यू रिड्यूस द मटेरियल। सो पीपल आर यूजिंग दिस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग आल्सो फॉर द टर्निंग
and when you have this kind of tool, you will kind of negative respectively, and you have a grinding also. We will go even you can do the slotting also. You if you have to make a slot, very few slot or just draw, a reminder, you can have. So why not we just take an advantage of electrical discharge motioning for the boring. 8809. This is our motivation. You can see that this is our motivation, initial motivation that we. This just instructed us to adopt electrical discharge motioning process for the boring also. So there are still few limitations because only conducting material we can machine. And we are machining workpiece through this part point by point. That's why it is very low material removal. It cannot. Its removal rate cannot be matched with the conventional one. जब मैंने मेरी जॉब को जब मैं से मैंने रिजाइन दिया तब मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियर का मेंटेनेंस स्किल का बहुत अच्छा सा नॉलेज था, प्रैक्टिकल नॉलेज था. मैं किस तरीके से मैकेनिकल चीजों को मेंटेनेंस कर सकता हूं उसके बारे में मेरे पास बहुत सारा नॉलेज था. मैंने गेन किया था, मैंने एक्सपीरियंस किया था. जैसे ही मैंने अपना फील्ड चूज किया, मैंने अपना करियर चूज किया और मैंने अपने इंडस्ट्रियल करियर में मैंने मूव किया, तब मुझे बहुत सारी चैलेंजेस फेस हुई. पहली चैलेंज करने की शुरुआत की तो मुझे बहुत सारी चैलेंजेस फेस हुई. पहला है कि उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था. फिर दूसरा है कि कोई वहाँ पे ट्रेनिंग देने वाला नहीं था. तीसरा है कि मुझे अपने खुद के ही बल पे सब कुछ आगे सब कुछ करना था और मुझे खुद ही सब कुछ रिसर्च करके फाइंड करके अपने आप में डेवलप करके आगे बढ़ना था. मुझे मेरे अंडर में जो एम्प्लॉइज है, मेरे अंडर में जो काम कर रहे हैं, उनको भी मुझे सपोर्ट करना था, उनको भी मुझे पॉजिटिव में आगे बढ़ाना था और उनको भी मुझे ट्रेनिंग देनी थी, गाइडेंस देनी थी. तो ये सब भी मुझे नहीं मालूम था. तो मैंने ये स्किल्स भी अपने तरीके से सीखी, अपने तरीके से अडॉप्ट. उसके बाद था मुझे आईटी लेवल में आने के लिए मुझे आईटी का पूरा नॉलेज होना जरूरी था. यहाँ पे किस तरीके से काम होता है, क्या क्या मेथड्स यूज होती है. तो मैंने वहाँ पे जो भी लोग पहले से काम कर रहे थे उनके साथ कम्युनिकेशन किया, उनके साथ डिस्कशन किया, उसका पूरा नॉलेज लिया कि यहाँ पे किस फील्ड में कहाँ पे क्या काम होता है, कोडिंग कैसे होता है, the facility that you can also machine non-conducting materials. So designing ka kaam kaise hota hai, designing mein kaun se kaun se very new effect hoti hai jiske karan design ka achhi tarah well improve kar sakte ho. Professor Desai, ye sab तो यहाँ पे जाने के बाद मैंने इतनी सारी स्किल्स सीखी कि अभी मेरे पास डिजाइनिंग मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, मैं किसी को एक्सप्लेन अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, मैं किसी को अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, मैं उसमें पूरा कोडिंग सिस्टम में उसको बता सकता हूँ कि अगर आपको कोडिंग करना है और किस लैंग्वेज में कोडिंग करना है.